तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं पहलगाम में हूँ और आज हम जाएंगे पहाड़ों के अंदर। इतने समय से हम बार बार घूम रहे थे और आज हम पहाड़ों में जाएंगे। आप लोगों को नहीं आना है सही में? पक्का नहीं आना है? तो फैमिली लगभग 7 दिनों से घूम घूम कर थक गई है और ख़ास करके घोड़े पर बैठ कर, इसीलिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। हमको जाना ही नहीं है। अगर पैदल होता तो हम जाते, लेकिन पैदल रास्ता काफ़ी ख़राब है। काफ़ी बारिश हुई थी यहाँ पर तो कीचड़ काफ़ी है। एटलीस्ट मैं खुद पैदल जाने वाला था, मैं भी घोड़ा लेने वाला नहीं था क्योंकि मैं ट्रैकिंग करता रहता हूँ। लेकिन यहाँ के जो लोकल बंदे, उन्होंने बताया कि पैदल जाना बहुत मुश्किल होगा, काफ़ी सारा कीचड़ है, तो आप घोड़ा ले लीजिए, आपको सही रहेगा और हम गाइड भी कर देंगे। तो मैंने यहाँ से घोड़ा लिया है। करीब 8 पॉइंट मैं कवर करूँगा ऊपर पहाड़ों में, जो यहाँ पर पॉइंट है मेन, और लगभग 2000 के आसपास मैं इनको पे करूँगा। चलो भाई, होटल पर आराम करो, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, देखो आप, बाईसरन, दबियान, कश्मीर वैली, फिर कनीमूल, डेनो वैली, वाटरफॉल, पहलगाम वैली और ओल्ड शिकारगा और ये तुलियान लेक। तो ये सारे पॉइंट है जो हमें कवर करने हैं। नीचे वाला जो पॉइंट है तुलियान लेक, ये शायद कवर नहीं होगा ऐसा बता रहे थे, क्योंकि इसके लिए अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है और अभी इस वक्त लगभग 2 बज गए हैं। तो बाकी सारे पॉइंट हम कवर करेंगे ये वाले। यहाँ पर ये सारा रेट लिखा हुआ है पौनी का, पर घंटे का 550 रुपये लेते हैं और उसके अलावा फिक्स रेट भी है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, आप चाहो तो बार्गेन कर सकते हो। तो मैं घोड़े पर आगे बढ़ रहा हूँ पॉइंट विजिट करने के लिए। वैसे मैं घोड़ा लेता नहीं हूँ, कहीं भी घूमता हूँ तो आपने देखा है सोलो, और अभी भी मैं सोलो ही हूँ क्योंकि फैमिली को मैंने होटल पर भेज दिया है। घोड़ा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है तो वो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर अभी ट्रैक करना काफ़ी कीचड़ है ऐसा बताया, और मैं खुद यहाँ पर नया हूँ और यहाँ पर गाइड का कोई सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से मैं घोड़े पर जा रहा हूँ। वैसे मैंने ये कश्मीर पैकेज eTripTour.in से बुक किया है, तो अगर आपको कश्मीर पैकेज बुक करना है या इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो घोड़े से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही सुंदर रास्ता है, देखो आप, दोनों तरफ ऊँचे ऊँचे पेड़ है। शाबाश, घोड़े पर बैठना भी इतना आसान नहीं होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे पूरा हिल जाते हैं। ओह शाबाश शाबाश शेरू शाबाश, चल बेटा चल। ये देखो कितना कीचड़ है, ये देखो कीचड़ ही कीचड़ है पूरा। तो हल्की हल्की बारिश की बौछार हो रही है, अगर बारिश ज़्यादा आ गई तो भी दिक्कत हो जाएगी। बाकी नज़ारा देखो आप कितना बढ़िया है, पहाड़ों के अंदर आने का मज़ा ही अलग है। तो ये पहला पॉइंट है और इसका नाम है कनीमर्ग। कहते हैं कि यहाँ से 5 पांडवों ने पत्थर लिए थे और उन पत्थर से फिर मंदिर बनाया था, जो कि पहलगाम की मार्केट में है। वो मंदिर आज भी है और काफ़ी फेमस है। फर्स्ट पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ इस तरह का रास्ता है, पहाड़ों से पानी आ रहा है और मौसम पूरा बारिश वाला हो रखा है, कभी भी बारिश हो सकती है। क्या नाम है इसका घोड़े का? जिगर। तो जिगर हमें काफ़ी अच्छे से लेकर आया। तो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था और रास्ता काफ़ी डेंजर था, पत्थर और कीचड़ ही था रास्ते में, तो अच्छा किया मैंने घोड़ा ले लिया। रास्ता आपने देखा काफ़ी ख़राब था। और अभी मैं सेकंड पॉइंट पर आया हूँ और इसका नाम है वाटरफॉल। यहाँ पर एक वाटरफॉल है जो ऊपर से बहता हुआ आता है और काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ये है सेकेंड पॉइंट और इसका नाम है वाटरफॉल। Thank you.
काफ़ी बढ़िया नज़ारा हमें देखने को मिला। वाकई में बहुत सुंदर जगह है ये। और ये सेकंड पॉइंट था जो हमने देखा, वाटरफॉल, और काफ़ी बढ़िया वाटरफॉल है। हाइट पर से नहीं आता है, लेकिन इस तरह से स्लाइड करते करते पानी आता है, हल्का हल्का ऊपर से नीचे आता है, लेकिन देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। और हम बीच में भी जा सकते हैं फ़ोटोग्राफी करने के लिए, मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं। और काफ़ी अच्छी जगह है ये। और मौसम फिर से वही, बादल धूप, बादल धूप चालू है, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं इससे पहले कि बारिश आए। देवदार के पेड़ हैं, देखो आप, ये हल्के हल्के फूल लगे हुए हैं। वो पूरा खड़ा रास्ता है, देखो आप, एकदम नीचे से रास्ता पूरा इस तरह से है। घोड़ा एकदम किनारी किनारी पर चल रहा है। चल बेटा चल, रास्ता बहुत डेंजर है सच में। अरे बेटा चल, बेटा चल, ओह थोड़ा साइड साइड साइड। तो घोड़े को भी चलने में इतनी दिक्कत हो रही है, हम कैसे पैदल आ जाते। हालांकि घोड़े वाले चल के आते हैं इनके साथ में, घोड़े के साथ, लेकिन वो दिन में दो बार ऊपर नीचे करते हैं तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, देखो आप, ये वही पानी है जो मैंने आपको वाटरफॉल में दिखाया था, यहाँ ऊपर इस तरह से आता है। क्या नज़ारा है, वाह, एकदम दूध जैसा सफ़ेद पानी दिख रहा है, मज़ा आ गया। जितना रास्ता मुश्किल है, डेंजर है, उतना ही प्यारा है। इसको बोलता है सर डबियन का हैंडिंग प्लेस। अच्छा। जो महाराजा हरि सिंह कश्मीर का राजा था जी, उसने एक तीर से दो शिकार किया था। अच्छा। इसीलिए इसको बोलता है डबियन, डबियन मतलब डबल शिकार। चल भाई चल बेटा चल, बहुत ज़्यादा कीचड़ है, घोड़े के आधे पांव कीचड़ में दब रहे हैं, ऐसा कीचड़ है, देखो आप। अभी और ज़्यादा कीचड़ है एकदम, आहा, खतरनाक खतरनाक कीचड़ हो रखा है। अरे बाप रे, खड्डा है खड्डा है, आई शाबाश शाबाश बेटा, अरे बेटा आराम से बेटा आराम से। तो अभी हम आ गए हैं चौथे पॉइंट पर और इसका नाम है दूना वैली। ये सबसे जो टॉप थ्री जगह है यहाँ इस पूरे राइड में, उसमें से एक है। तो ये है दूना वैली और बहुत ही सुंदर है, देखो आप, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। सामने जो आपको घर दिख रहा है पत्थर के पीछे, वो मुन्नी का घर था उस मूवी में, और यहीं पर पूरी शूटिंग हुई थी। इसको पीओ के बताया गया था उस मूवी में, बजरंगी भाईजान में। तो दूना वैली सच में बहुत सुंदर है, देखो आप, सामने काफ़ी सारी भेड़े हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, देवदार के, पाइन के। पीछे यहाँ पर जिप लाइन भी है छोटा सा, अगर आपको जिप लाइन करना हो तो आप कर सकते हो।
तो हमने ड्रोन से व्यू देखा, काफ़ी बढ़िया लगता है नज़ारा। और यहाँ पर अभी भी लोग रहते हैं, चरवाहे जो अपनी भेड़ बकरी चराते हैं। बाकी मैंने आपको बताया यहाँ पर बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग हुई थी। तो देखो आप, कुदरती झूला है ये, बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ, उसके ऊपर बच्चे झूला खा रहे हैं। तो चलते हैं आगे। क्या बात है, कौन सा गाना ये? काफ़ी अच्छा घोड़ा मिला हमें आज, बहुत ही अच्छे से चलता है ये। अरे फिर से कीचड़ आ गया, देखो आप। धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे एकदम। हाँ इतना स्लीपी कीचड़ है ये, घोड़ा चल रहा है बड़ी मुश्किल से इस पर। ओहो, घोड़े पर बैठ के हिल जाते अपन, इतना खराब रास्ता है। चला जाएगा ये? अरे शाबाश, क्या बात है, बहुत ही होशियार घोड़ा है। ओहो चलो बेटा, चलो चलो, शाबाश। हाँ धीरे बेटा, अरे दम निकल गया भाई घोड़े पे बैठ के आज तो। ओहो बड़ा ही डेंजर रास्ता है। आय शाबाश 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 बेटा। एक्चुअली रास्ता है ही नहीं, पहाड़ों में ही घोड़े चल रहे हैं। आय 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 आय, चल बेटा चल 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 चल। तो फाइनली हम आ गए हैं हमारे पांचवें पॉइंट पर, और इसका नाम है मिनी स्विट्जरलैंड। वैसे इसका रियल नाम बाईसरन है, लेकिन इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये एंट्री फ़ी का टिकट है 30 रुपीज़ का, और ये है मिनी स्विट्जरलैंड। नज़ारा देखो आप, ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। अभी हल्की हल्की बारिश आ रही है, तो जब से हम यहाँ ऊपर पहाड़ में आए हैं घोड़ा लेके, तब से धूप छाव का खेल जारी है। कभी धूप आती है, कभी बारिश आती है, कभी बादल आते हैं। तो अभी भी धूप है, लेकिन बौछार आ रही है पानी की, तो मिक्स मौसम है यहाँ का अभी। और यहाँ पर जिप लाइन भी है देखो आप, और ये जिप लाइन अच्छी खासी बड़ी है, यहाँ से लगा के और सामने तक है। लगभग 400 मीटर है इसका लंबाई आगे तक, और 350 रुपये पर पर्सन का चार्ज लगता है। तो आगे चलते हैं सेंटर में, और नज़ारा लेकिन बहुत अच्छा है, देखो आप कितना खुला खुला है। तो इस जगह का जो नाम है मिनी स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही है, ऐसा लगता है जैसे हम स्विट्जरलैंड में हैं। आप नज़ारे देखो आसपास के, पीछे बर्फ़ है, घास के मैदान हैं, पेड़ है, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर कश्मीर का जो है वो ड्रेस कोड मिल जाता है, और इस तरह से आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो, और इसका 200 रुपया लगता है एक का। तो बहुत ही अच्छी जगह है ये, और इसका नाम बिल्कुल सही है, मिनी स्विट्जरलैंड, वैसा ही फील आता है। हमने ड्रोन शॉट लिया, काफ़ी अच्छा दिखा हमें नज़ारा यहाँ का। और मौसम बदल रहा है काफ़ी तेज़ी से, और अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे मेन पॉइंट यही है पूरी ट्रिप का, मिनी स्विट्जरलैंड, और इसका रियल नेम है बाईसरन। तो फैमिली के लिए बेस्ट जगह है, सारे फूड स्टॉल है, और इस तरफ में एक्टिविटी भी होती है, जिप लाइन मैंने आपको बताया, और पीछे की तरफ भी काफ़ी सारी एक्टिविटी है।
तो सामने एग्जिट का गेट है, यहाँ से हमें बाहर निकलना है। उस तरफ में सारे घोड़े बंधे हुए, पार्किंग है वो घोड़ों का। तो ये घोड़े का पार्किंग है, लेकिन कीचड़ देख लो आप, कितना सारा कीचड़ है। तो हमारा घोड़ा आ गया है और बहुत ही ज़्यादा स्लिपी है, कीचड़ है पूरा, यहाँ संभाल कर बैठना पड़ेगा। चल बेटा चल, शुरू। यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल है, ये लोग, ये जो घोड़े वाले चल रहे हैं, ये भी बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं यहाँ पर। ओ बाप रे बाप, देखो कीचड़ देखो आप, घोड़े के पैर देखो आप, कितना कीचड़ में घुस रहे हैं। ओहो हो हो हो, ओ शाबाश। अरे बाप रे, ओहो हो हो, जितना मैं सोच रहा हूँ इससे ज्यादा कीचड़ क्या होगा, उससे भी ज्यादा कीचड़ आ रहा है आगे आगे। अरे बाप रे, सीधा खड़ी खड़ी उतारा ही करेंगे हम अभी। और मेरा घोड़ा बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल है। यस वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, घोड़ा लड़खड़ाना नहीं चाहिए, मेरी दिक्कत नहीं है कुछ भी, बस। रास्ता देख लो आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी काफ़ी लंबा और काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, लेकिन ज़्यादा रास्ता मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए आपको थोड़े थोड़े शॉर्ट बता रहा हूँ। और सुंदर भी इतना है, देखो आप, ग्लेशियर से पानी बहकर आ रहा है, बर्फ मेल्ट होती है उसका, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। चल बेटा चल, बेटा चल शेरू चल, आए शाबाश शाबाश, आहा, अरे शाबाश बेटा शाबाश, आहा। अरे अरे अरे, काम मिक्स हो रहा है भाई, अरे ये रास्ते तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक रास्ते हैं। और क्या करें? वेट पीछे रखना हो क्या भाई? और ओए शाबाश बेटा, शाबाश। तो यहाँ से ये पानी बहता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है और सामने आपको एक वैली दिख रही होगी, इसे कश्मीर वैली कहते हैं। पहाड़ों के नीचे देखो आप, काफ़ी सारे घर दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये वाला। तो ये कश्मीर वैली है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ से, और ये सारे पहाड़ है ऊपर ऊंचे ऊंचे बर्फ़ के, और नीचे ये वैली है और इसका नाम है कश्मीर वैली। तो ये भी एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर आगे लेकर नहीं जाते, दूर से ही दिखाते हैं। तो कश्मीर वैली काफ़ी खूबसूरत लगती है यहाँ से, लेकिन हम आगे नहीं जा सकते, यहीं से दिखाते हैं दूर से हमें। यहाँ पर एक समय पर एक ही घोड़ा चल सकता है। शाबाश शेरू, वाह।
चलो भाई चलो। तो अभी फिलहाल मैं एक जगह पर खड़ा हूँ और इस जगह को कहते हैं ओल्ड शिकारगाह। पहले के जो राजा महाराजा थे वो यहाँ पर आके शिकार करते थे, इसलिए इस जगह का नाम है ओल्ड शिकारगाह। तो काफ़ी पुरानी जगह है इस वादी के अंदर में, इस पहाड़ी के अंदर में। तो ये है ओल्ड शिकारगाह। ओहो, आज मेरी कमर बिल्कुल सही हो गई, जो भी हिला हुआ था ना सब जगह पे आ गया, मज़ा आ गया। आज लग रहा है कुछ घोड़े की सवारी की हमने, और घोड़ा भी हमें बहुत शानदार मिला, बहुत प्यारा घोड़ा है ये। तो हम लोग नीचे पहुंच गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, हम वहां ऊपर पहाड़ों में गए थे, अभी हम नीचे पहुंच गए हैं। तो ये भाई साहब है, इनका नाम है मंजूर भाई, घोड़ा इनका था और इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने घोड़े को समझाया हुआ था, तो बहुत बढ़िया मज़ा आया चलने में, घोड़ा बहुत अच्छे से हमें लेकर गया। और घोड़े के जो ड्राइवर थे वो ये थे, इनका नाम है कासिम भाई। तो घोड़ा मैंने फिक्स किया था, वो इनको मैंने पेमेंट दे दिया है 2000 रुपये, और इसके अलावा मैंने इनको 500 रुपये और दिए टिप में। मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, पर्स में कुछ पैसे नहीं है, मैं लेना भूल गया था, तो जो था उनको दे दिया। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, और फिर मिलेंगे। चलिए, आज का सफ़र काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी मज़ा आया मुझे। हम लगभग 2 बजे यहाँ से निकले थे और 6 बजे नीचे आए हैं, और रास्ता आपने देखा काफ़ी ख़तरनाक था, और जितना ख़तरनाक था उतना ही प्यारा था, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे। और अभी हमें होटल की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो